सर्दियों में जब लगे वॉर्ड्रॉप को अपडेट है करना तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान नमस्कार स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में मैं आपके साथ अखिलेश और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि आज सुबह के कार्रवाई सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी लेकिन आगे से बढ़ने पहले आपको बता दूं अगर आप भी ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस की वजह से परेशान है कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए और हम देख भी रहे हैं कि दिल्ली में लगातार ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं रिकॉर्ड रिकॉर्ड केसेस दिल्ली समेत और भारत के अन्य राज्यों में देखने को मिल रहे हैं जिससे लॉकडाउन की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है और लोग इसको देखते हुए काफ़ी सतर्कता भी बरत रहे हैं लेकिन ऐसे में एक आपत्ति एक से एक मुश्किल ये खड़ी हो जाती है कि जो कारोबार है वो ठप पड़ जाते हैं दुकानों पे शटर लग जाता है सारे के सारे बिजनेस फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं और अगर ऐसे में आपको भी यही चिंता सता रही है कि लॉकडाउन में आपकी दुकान कैसे चलेगी तो उसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आ गई है माई बिगली ऐप एम वाई माई बी आई जी बी एल आई डबल एस माई बिग ब्लिस माई बिग ब्लिस एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक ऐप एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो आपको घर से बैठे बैठे आपको लॉकडाउन में भी अपनी दुकान चलाने का मौका दे रहा है करना छोटा सा ये काम होगा फ़ोन उठाना है माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाके और फिर इस पर अपनी दुकान रजिस्टर कर लेनी है दुकान रजिस्टर करनी है अपना स्टोर बनाना है और फिर आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे और ऐप डाउनलोड करने के और अपनी दुकान रजिस्टर करने के या स्टोर बनाने के लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है सब कुछ मुफ्त में ही होगा और ज़रूरी नहीं कि आप कोई व्यापारी हैं तभी इस ऐप्स पर इस ऐप का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं हाउसवाइफ़ हैं या एम्प्लॉय हैं और एक अपनी इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं अपना खुद का कारोबार भी शुरू करना चाह रहे हैं तब भी आप इस ऐप से फ़ायदा उठा सकते हैं इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं माई बिग ब्लिस माई बिग ब्लिस आपको घर बैठे बैठे अपनी दुकान चलाने का मौका देता है घर बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाता है आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और जो डिलीवरी की और जो डिलीवरी होगी वो भी बिग ब्लिस की तरफ से होगी तो अभी डाउनलोड करें तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज की कम्युनिटी बाजार की अपडेट की सबसे पहले बात करेंगे नॉन एग्री में सोने और चांदी की <laughs> तो हम देख रहे हैं कि सोना आज 1803 डॉलर पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और सिल्वर बाईस डॉलर पर ट्रेड करती नजर आ रही है हम देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज सोने चांदी की कीमतों में एक हल्की गिरावट देखने को मिल रही है कल को हमने सोने को अट्ठारह डॉलर के ऊपर ट्रेड करते देखा था आज देख रहे हैं कि सोना 1800 सो के दायरे में कारोबार करता नज़र आ रहा है और चांदी के अंदर भी आज गिरावट देखने को मिली है दरअसल अमेरिकी डॉलर और जो यूएस ट्रेजरी ट्रेजरी है जो अमेरिकी बॉन्ड है इन दोनों में तेज़ी के चलते आज हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में एक हल्की गिरावट देखने को मिली है लेकिन डॉलर में मंदी तेज़ी की वजह से सोने चांदी में उठापटक का माहौल चलता रहता है लेकिन बात करें अगर आने वाले समय की तो आने वाले समय में लंबी अवधि में जो निवेशक हैं सोने चांदी में बढ़त का ही अनुमान लगा रहे हैं कि आगे जाके लंबी अवधि की बात करें तो सोना अच्छा रिटर्न देता नज़र आ सकता है साल 2021 में भी देखा था कि हमने सोने ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था सोने में आगे भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद जताई जा रही है बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की तो देख रहे हैं कि डब्ल्यू टी डॉलर पर है ब्रैंड क्रूड ऑयल उन्यासी डॉलर पर देख रहे हैं कि डब्ल्यू और ब्रांड क्रूड ऑयल दोनों ही आज अच्छी तेज़ी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं ब्रांड क्रूड ऑयल अस्सी डॉलर के आसपास है अभी उन्यासी डॉलर पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है दरअसल आज चार जनवरी है ओपेक प्लस की बैठक भी है जिसमें यह निर्णय हो निकलेगा कि ओमिक्रॉन की केसेस के मद्देनज़र और आगे जो सिचुएशन बनती नज़र आ रही है लॉकडाउन वाली भारत समेत दूसरे देशों में उसके मद्देनज़र क्या फैसला लेता है क्या कच्चे तेल का उत्पादन जितना है उतना ही रहेगा आगे बढ़ोतरी होगी या फिर ओपेक अपनी कोई नई स्ट्रेटेजी बनाएगा ये देखने वाली बात होगी जिसकी वजह से लेकिन जो निवेशक हैं वो इसको लेकर पॉजिटिव ही हैं कि कच्चे तेल में जो पहले वाली रणनीति है जो पहले वाला प्लान था ओपेक का कि चार लाख बैरल पर डे वाला जो ओपेक और उसके संयोगी देश हैं वो उस पर ही स्टिक टू रहेंगे उसी की वजह से हमने देखा है कि वायदा में क्रूड के अंदर जो यूएस नेट लॉन्ग पोजीशन है उनमें नई नई पोजीशनें बनाई जा रही हैं और हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है तो उसी का ये असर है कि कच्चे तेल की कीमतों में आज तेज़ी बनती नजर आ रही है बात करें यहाँ से अगर आ, बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि एम सी एक्स जिंक दो सौ सतासी डॉलर पर है एम सी एक्स निकल पंद्रह सौ अड़सठ डॉलर पर एम सी 186 एक सौ छियासी डॉलर पर है एक सौ छियासी रुपये पर है और जो कॉपर है वो फोर पॉइंट थ्री डॉलर पर है आधे फीसदी की गिरावट के साथ हम देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स की कीमतों में कल के मुकाबले हल्की सी करेक्शन भी देखने को मिली है लेकिन जो हमारी जो एक्सपर्ट है रूपा मेहता उनके मुताबिक बेस मेटल्स में आगे तेज़ी का ही रुझान है बेस मेटल्स की कीमतों में आगे तेज़ी ही देखने को मिल सकती है और कल भी हमने अच्छी खासी तेज़ी बनती देखी थी बेस मेटल्स में निचले स्तर से रिकवरी बनती नज़र आई थी दरअसल दो हज़ार भी दो का भी आगमन हो चुका है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं अभी भी एज इट इज़ चल रही हैं जैसे लॉकडाउन से पहले चल रही थी और अभी भी लॉकडाउन की संभावना देखने को मिल रही है लेकिन इतनी देखने को नहीं मिल रही है कि संपूर्ण भारत या पूरा देश अन्य विदेश भी पूरे संपूर्ण लॉकडाउन पर जाए जो बिजनेसेस हैं अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चलते रहेंगे उनमें ऐसे ही कारोबार में बढ़त देखने को मिलती रहेगी बेस मेटल्स की भी खपत देखने को मिलती रहेगी और इन्वेंट्रीज़ और डिमांड और सप्लाई की बात की जाए तो उनमें अंतर देखने को मिला है और वो अंतर इतना है जिसकी वजह से बेस मेटल्स में तेजी ही देखने को आगे भी मिलती रहेगी और साल 2021 में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को बजट पेश किया था उन्होंने भी यही कह दिया था कि अब जो भारत है वो अब बिजली से चलने वाले वाहनों पर भी फोकस करेगा पेट्रोल डीजल के बजाय क्योंकि पेट्रोल डीजल के क्योंकि पेट्रोल डीजल पर भारत को अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है पेट्रोल डीजल के लिए लेकिन बिजली भारत बड़े पैमाने पर अपने देश में ही खुद ही प्रोडक्ट आप खुद ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और कर भी सकता है आगे भी करता रहेगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो बात है वो कही थी उन्होंने बजट पेश करते हुए और जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलना शुरू हो जाएंगे, इनका ट्रेंड शुरू हो जाएगा तब तो हम देखेंगे कि बेस मेटल्स की भी जो खपत है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी और दूसरा जब से लॉकडाउन लगा है हमने देखा है कि पल्स चेक करने वाली मशीनें हुई या फिर अन्य दूसरी मशीनें हुई ऑक्सीमीटर्स हुए और जितनी भी अन्य मशीन हैं उनमें भी बेस मेटल्स का यूज़ कहीं ना कहीं होता है और जब से लॉकडाउन लगा है और उसके बाद से मेडिकल इक्विपमेंट्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई है उसकी वजह से भी हमने देखा है कि बेस मेटल्स की जो खपत है वो ज़्यादा देखने को मिली है तीसरा चाइना में जो फैक्ट्री रेट फैक्ट्री ग्रोथ के जो रेट्स हैं जो आंकड़े हैं वो ठीक ठाक देखने को मिले हैं चाइना में एज आ, फैक्ट्री के आंकड़े अच्छे निकल के सामने आए हैं जिस बेस मेटल्स की खपत के जिसकी वजह से बेस मेटल्स में उछाल देखने को मिला है और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बेस मेटल्स में बेस मेटल्स में जो किल्लत है बेस मेटल्स की सप्लाई की वो थोड़ी देखने को मिली थी जिसकी वजह से हमने बेस मेटल्स में तेज़ी बनती देखी थी तो इन सब के मद्देनज़र आगे जाके बेस मेडल्स में तेजी का ही रुझान है बीच बीच में ऐसा कुछ फैक्टर्स ज़रूर आते रहेंगे जिसकी वजह से बेस मेडल्स में उठापटक का माहौल देखने को मिलेगा लेकिन ओवरऑल रुझान आने वाले समय में बेस मेडल्स में तेजी का ही रहने वाला है तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की